सो ये है सेगा के शूज़ जो कि मेरे को 1400 के पड़े थे, तो इसको यूज़ करते करते मेरे हो चुके 7 महीने। तो बेसिकली अब हम लोग इस वीडियो में इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे, 7 महीने में इसकी क्या हालत हुई है, या फिर फटा है कि स्पाइक्स टेढ़े हुए हैं कि आयरन मतलब स्पाइक्स का जो मेटल होता है वो टेढ़ा हुआ है कि नहीं, सारी चीज़ चेक करेंगे। चलो वीडियो चालू करते हैं। हम लोग इस वीडियो को 3 टॉपिक में डिवाइड करने वाले। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है बजट, कि इस बजट में और कोई शूज़ आते हैं कि नहीं। दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारा स्पाइक्स, इसके मेटल स्पाइक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड टॉपिक होगा इसकी ड्यूरेबिलिटी, कि 7 महीने में इसकी क्या हालत हुई, कैसा चल रहा है ये जूता। तो जहाँ तक बजट की बात की जाए, अभी ये जूता चल रहा है 1590 रुपये का, बट जल्दी ही सेल आएगी और ये जूता हो जाएगा कुछ 1600 का। इससे सस्ता शूज़ अगर मैं दिखाऊं तो आपको कुछ ये शूज़ दिखेंगे, जिसमें हमारा पहला शूज़ आता है फेरोक का, जो कि मैंने ब्रांड का नाम अभी तक सुना नहीं है ज़्यादा, बट आप खुद से भरोसा करते तो आप ले सकते हो, बट मेरे को इस पर भरोसा नहीं है। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं, हमें सारे इस बजट के पार के जूते दिखते हैं, मतलब 1600-1500 में बस 2 ही जूते हैं, जिसमें एक फेरोक है और एक सेगा है। तो जिसमें मैं सेगा को विश्वास दूंगा, बाकी SG और ये सब थोड़े से बजट से ज़्यादा होता है, और इसमें आपको गारंटी तो खैर मिलेगी। और एक प्रो एस का जूता है, बट इसकी रिव्यू आप अपने आप ही देख सकते हो, 3.5 स्टार है। नहीं पता क्यों इतना अच्छा ब्रांड है, तब भी इसका जूता अच्छा नहीं चलता है। मेरे दोस्त के पास भी था और वो भी फट गया। तो यार देखो भाई, जब इस पे स्पाइक्स लगते रहा तो हम लोग ये जो मिट्टी पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी डर्फ वाली मिट्टी नहीं है, मतलब जहाँ पे स्पाइक्स यूज़ किया जाता है, उसके बावजूद भी स्पाइक्स हल्का भी बैंड नहीं हुआ, मतलब लिटरली कुछ भी बैंड नहीं हुआ है। और हम लोग के यहाँ जो मिट्टी है बहुत हार्ड है, मतलब टर्फ जिस पे होता होगा आप लोगों को पता होगा, टर्फ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें स्पाइक्स मतलब अंदर तक जाता है, ज़मीन में दाग होता है, पर यहाँ दाग नहीं होता, यहाँ इतना हार्ड हो जाता है धूप पड़ने के बाद कि स्पाइक्स पे बहुत प्रेशर आता है। फिर भी स्पाइक्स आप लोग देख सकते हो फोटो में, कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आपका मेटल स्पाइक्स है वो प्योर मेटल है, तो आपका बेंड नहीं होगा, तो उसकी आपको टेंशन रहने की जरूरत नहीं। जबकि ये 1500 का जूता है, उसके बावजूद भी स्पाइक्स एक नंबर है। बात करें अगर हम लोग ड्यूरेबिलिटी की, तो ये जूता जो है, मतलब मेरा जितना भी आपने बॉलिंग एक्शन देखा होगा, ये वाला एरिया इतना भयानक रगड़ाता है, मैं आपको रिप्ले में भी दिखाता हूँ, पर अभी तक देखो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, 1% का मतलब स्क्रैच तक नहीं आया यार लिटरली। और मेरे बाकी जूते का अगर मैं फोटो दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में अभी जितने भी फोटो चल रहे हैं, सबका ये एरिया फटा हुआ है, पर इस जूते में आप देख भी नहीं सकते हो। 7 महीने में यार कुछ हुआ ही नहीं है, इसको मैं धो दूंगा तो ब्रांड न्यू हो जाएगा पूरा, तो इससे आपको ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा पड़ सकता है। बाकी स्टड देखो, एक भी स्टड टूटा नहीं है, वैसे भी स्टड मैंने अभी यूज़ किया है, बट स्टिल। और जितना भी चीज़ देखो, कहीं भी कोई भी मतलब तुमको एक हल्का सा भी स्ट्रेच मार्क या फिर कुछ भी नहीं दिखेगा जूते में, बस यहाँ से जूता बेंड होता है, बस उसका मार्क है, उसके अलावा जूता पूरा एक नंबर है, 7 महीने में कुछ भी नहीं हुआ है। सो यही था कुछ वीडियो के लिए, आपको उस जूता का अंदाज़ा लग गया होगा कितना ड्यूरेबल है, इस बजट में कैसा जूता मतलब आपको मिल सकता है। इस बजट में मेरे को नहीं लगता इससे बेटर जूता आपको मिलेगा, क्योंकि जितने भी जूते मिलेंगे जूता तो ठीक रहेगा, बट उसका स्पाइक जो है ना वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, सब मुड़ जाएगा। और इस पर स्पाइक्स में मैंने जितना यूज़ किया मैं भरोसा दिला सकता हूँ, और आपको शायद 4 स्पाइक्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, और उसका की तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 4 स्पाइक जितना भी एक्स्ट्रा मिलता है बाय चांस अगर टूटेगा, मेरे को तो नहीं लगता जल्दी टूटेगा, पर जब भी टूटेगा आप उसको आराम से रिप्लेस कर सकते हो। और ये जूता में बहुत आराम से भरोसा कर सकते हो भाई, मतलब जिस बजट में, और हर कोई को मतलब इतना महंगा जूता नहीं लेना रहता कि एडिडास का जूता ले लिए डायरेक्ट 9000-10000। ये सबसे बेस्ट है स्टार्टिंग जिसको करना है बॉलिंग, मतलब किसी को स्पाइक्स पे अपना पैर सेट करना है या फिर देखना है कि स्पाइक्स पे नहीं कैसी बॉलिंग होती है, तो ऑफकोर्स गो फॉर इट। और यही था इस वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आता लाइक करना, शेयर करना।